हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के Q&A वीडियो में। हमेशा की तरह आज भी हम कुछ टॉप कमेंट्स चूज करेंगे और उन टॉप कमेंट्स के रिप्लाई आज के वीडियो में मैं आपको दूंगा। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल, आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरु। तो फ्रेंड्स, अपने चैनल पे मैं व्हीकल्स और इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आप मेरे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और शेयर भी करें। शुरुआत करते हैं आज के पहले कमेंट के साथ। तो फ्रेंड्स, हमारे एक व्यूअर है, वो प्रेजेंटली किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि वो उस कंपनी से किसी और कंपनी में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? वो ए कंपनी से बी कंपनी में शिफ्ट हो सकते हैं या नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका रिप्लाई मैंने ऑलरेडी दे दिया है उनको भी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि कोई एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं और वो दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उनको पहली इंश्योरेंस कंपनी जिसमें वो प्रेजेंटली काम कर रहे हैं उस इंश्योरेंस कंपनी से NOC लेनी पड़ती है, और न्यू इंश्योरेंस कंपनी जिस कंपनी को वो ज्वाइन करना चाहते हैं उस इंश्योरेंस कंपनी में वो NOC सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद ही वो नई इंश्योरेंस कंपनी में काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो दूसरा कमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट कमेंट है। ये है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस कमेंट में मुझे पूछा गया है कि यदि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें किसी ने अपने चिल्ड्रन के लिए भी वो पॉलिसी ले रखी है, अब उनके चिल्ड्रन जो है वो 25 साल से ऊपर हो गए हैं, यानी कि 25 साल उनके कंप्लीट हो गए हैं, तो वो उस फैमिली फ्लोटर पॉलिसी से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। तो जब वो क्या नई इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो उसमें भी उनको जो कुछ डिजीज होती हैं जिनमें वेटिंग पीरियड रहता है, क्या उनको 4 साल या फिर 12 महीने या जो भी वेटिंग पीरियड है वो उनको वेट करना पड़ेगा या नहीं? तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इनको ये चीज क्लियर कर दूं, यदि कोई चिल्ड्रन अपने मदर फादर के साथ फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में ऑलरेडी कवर था तो उसको प्रीवियस पॉलिसी के बेनिफिट मिलेंगे। जब वो अपने लिए नई पॉलिसी लेंगे तो उसमें प्रीवियस पॉलिसी का नंबर मेंशन कर देंगे, तो उससे जो है उनको पिछली पॉलिसी के बेनिफिट्स मिल जाएंगे, यानी कि वेटिंग पीरियड की उनको जरूरत नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, जो अगला कमेंट है वो काफी इंटरेस्टिंग सा कमेंट है। इसमें मुझे पूछा है कि जो व्हीकल की रजिस्ट्रेशन प्लेट होती है, लाइसेंस प्लेट्स होती हैं, उनमें I और O सीरीज, यानी कि अल्फाबेटिकली I एंड O, इन सीरीज के नंबर्स क्यों नहीं आते हैं? मान लीजिए जैसे किसी व्हीकल का नंबर है HP47, A भी होगा उसका, B भी होगा, C भी होगा, D भी होगा, सभी होंगे, लेकिन HP47I एंड HP47O ये वाली सीरीज क्यों नहीं होती हैं? तो फ्रेंड्स, इसका एक मुझे जो लॉजिक फील होता है पर्सनली, जिस लॉजिक को मैं मानता हूं, वो ये है कि जो आई वर्ड है एंड ओ वर्ड है रजिस्ट्रेशन प्लेट में, हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर्स ही लिखे जाते हैं, आई एंड ओ, दीज आर सिमिलर टू 1 and 0। तो जैसे अब लिखना होगा HP47I तो वो पढ़ा जाएगा HP471 एंड HP47O वो पढ़ा जाएगा HP470। तो फ्रेंड्स, इस वजह से आई एंड ओ के सीरीज जो है वो लाइसेंस प्लेट्स में नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले कमेंट की ओर। एक पर्सन है, उन्होंने किसी ब्रोकिंग इंश्योरेंस कंपनी से अपने व्हीकल की इंश्योरेंस ले रखी है। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि इन फ्यूचर यदि इनके व्हीकल का कोई क्लेम आ जाता है तो ब्रोकिंग इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेने के कारण क्या इनके क्लेम में कोई दिक्कत आ सकती है या नहीं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि आपने जो पॉलिसी है वो किसी भी चैनल से ली है, उसकी सेटलमेंट जो है वो वही इंश्योरेंस कंपनी करेगी जिस इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी है। तो अगर आपने ब्रोकिंग इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ली है तो आपको क्लेम में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट जो है वो वही कंपनी करेगी जिस कंपनी की वो इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। ब्रोकिंग इंश्योरेंस कंपनी से आप पॉलिसी लो, किसी एजेंट से लो, या फिर पॉलिसी बाजार, या फिर डायरेक्टली, आपकी क्लेम सेटलमेंट वही कंपनी करेगी जिस इंश्योरेंस कंपनी की आपकी पॉलिसी होगी। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर। अ पर्सन हैज बॉट अ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड ही वांट टू नो दैट इफ ही वांट टू माइग्रेट फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कैन ही माइग्रेट और नॉट।
तो मैंने इनको आंसर इसका दे दिया था, ये चाहते हैं कि इन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, ये एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अपनी पॉलिसी को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसका मैंने इनको जवाब दे दिया है। वैसे इसका रिप्लाई है यस श्योरली यू कैन ट्रांसफर योर पॉलिसी वन कंपनी टू अनदर बट ओनली एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। यू कैन चेंज योर इंश्योरेंस कंपनी एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ओनली। तो फ्रेंड्स जो अगला कमेंट आया है उसमें मुझे पूछ रहे हैं कि एक थर्ड पार्टी पॉलिसी में अगर कस्टमर डिमांड कर रहा है कि वो टीपीपीडी कवर नहीं लेना चाहता है तो क्या हम उसे स्किप कर सकते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात यहां पे समझने वाली ये है कि थर्ड पार्टी पॉलिसी जो होती है वो टीपीपीडी कवर ही होता है। अगर हम टीपीपीडी कवर को एस्केप करते हैं तो वो मात्र एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा, इसलिए हमें थर्ड पार्टी पॉलिसी में टीपीपीडी कवर देना ही पड़ता है। उसके साथ साथ सीपीए और ड्राइवर को भी हम कवर देते हैं, तभी जाके एक थर्ड पार्टी पॉलिसी जो है वो कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड्स अगले कमेंट में पूछा गया है कि यदि कोई व्हीकल ट्रांसफर हो जाता है, उसकी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर हो जाती है एक आरटीओ से दूसरे आरटीओ में, तो जब हम पॉलिसी को रिन्यूअल करेंगे तो कौन से आरटीओ का नाम लिखना है। तो फ्रेंड्स टेक्निकली हमें उसी आरटीओ का नाम लिखना पड़ेगा जिस आरटीओ में व्हीकल नई रजिस्ट्रेशन हुई है, यानी कि व्हीकल ट्रांसफर होके गया हुआ है। तो फ्रेंड्स जो अगला कमेंट है उसमें मुझे पूछा गया है कि कैन वी फाइंड आउट वेदर द व्हीकल इज अलाउड फॉर एनसीवी और नॉट एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। तो फ्रेंड्स यहां पे मैं क्लियर करना चाहता हूं कि पोर्टल में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन इन आर पोर्टल दैट वी फाइंड आउट वेदर व्हीकल इज अलाउड फॉर एनसीवी और नॉट। वो हमें सिर्फ कस्टमर से एक डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, लेकिन जब क्लेम हो जाता है तो एक एनसीवी कंफर्मेशन लेटर भी प्रीवियस इंश्योरेंस कंपनी को भेजा जाता है। अगर कस्टमर ने फेक इंफॉर्मेशन हमारे सामने डिक्लेयर की होगी तो उसका क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज जो है वो उसको अपनी ट्रू इंफॉर्मेशन जो है वो डिक्लेरेशन में देनी पड़ेगी कि उसने क्लेम लिया है या नहीं। पोर्टल में ऐसा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जिससे कि हम फाइंड आउट कर सकें कि व्हीकल का प्रीवियसली कोई क्लेम हुआ है या नहीं। तो फ्रेंड्स लेते हैं आज का आखिरी कमेंट। इसमें मुझे पूछ रहे हैं कि द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में सीपीए कवर का प्रीमियम कितना रहता है। फ्रेंड्स हालांकि मैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के साथ काम करता हूं, इसलिए मैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के प्रीमियम्स आपको बता सकता हूं, ऑफिशियली भी बता सकता हूं कि प्रीमियम क्या क्या रहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इनकी रिक्वेस्ट पे सर्च करके ये देखा कि द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में भी सीपीए का कवर 275 प्लस जीएसटी रहता है, सेम एज इन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने कुछ कमेंट्स चूज किए और उनके रिप्लाई आपको दिए। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, और अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो कमेंट में मुझे बताइए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इंश्योरेंस और मोटर से रिलेटेड जो भी लोग इस बात की जानकारी लेना चाहते हैं कि इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस कैसे की जाती है, इंश्योरेंस में क्या क्या होता है, या फिर व्हीकल्स के कुछ और इम्पोर्टेंट बातें अपने वीडियोस में मैं बताता रहता हूं, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।